सोलन में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले तो बाहरी राज्यों के लोग ही अपने साथ संक्रमण लेकर आ रहे थे, लेकिन अब ये संक्रमण गली मोहल्लों से होता हुआ शिक्षा संस्थान, अस्पताल और बैंक तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से सोलन जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग सकते में है। आपको बता दें कि सोलन का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ कोरोना संक्रमण का मामला ना आया हो। सोलन का क्षेत्रीय अस्पताल कई बार कोरोना संक्रमण रोगियों के आने की वजह से सील हो चुका है। पीएनबी, एसबीआई बैंक की शाखाएं अस्थायी रूप से बंद हो चुकी हैं। आए दिन सोलन में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि अब मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजन उप्पल मान रहे हैं कि सोलन में कम्युनिटी स्प्रेडिंग हो चुकी है। शहरवासियों ने इस मुद्दे पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सोलन अस्पताल में कभी चिकित्सक तो कभी अन्य स्टाफ कोरोना पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए प्रदेश सरकार को चाहिए कि अगर कोई चिकित्सक पॉजिटिव आता है तो तुरंत उसे स्थान पर किसी अन्य चिकित्सक की तैनाती की जाए, ताकि रोगियों को भी असुविधा ना हो। उन्होंने कहा कि शहर में स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, कोरोना में रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक कदम उठाने चाहिए ताकि शहर में कोरोना अपने पैर ज्यादा ना पसार सके। लोग कोरोना पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे, कहीं ना कहीं आप चाहे कितनी भी पीपी किट पहन लीजिए या आप कितनी भी प्रोटेक्शन कर लीजिए, कहीं ना कहीं से ये वायरस आपके अंदर आ ही जाता है। और वो कॉन्टिन्यूस बेचारे वो लेडीज़ जो हमारी नर्सिस हैं या डॉक्टर्स भी हैं, तो वो अगर पॉजिटिव आ भी रहे हैं तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा ये उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि अगर ऐसी समस्या आ जाती है तो उनके लिए उसकी भरपाई कैसे की जाएगी, क्योंकि यहाँ पहले ही नर्सिस और डॉक्टर्स की कमी है, क्योंकि ये क्षेत्रीय अस्पताल है। और अगर अगर यही लोग पॉजिटिव आ जाएंगे तो जो पेशेंट्स को कौन अटेंड करेगा। देखिए, बैंक का सिचुएशन ऐसी है कि बैंक में जो है ये नेशनलाइज बैंक हैं और इस दूर दराज के लोग, दूर क्षेत्रों से इवन जो है इंटरस्टेट लोग भी आते हैं बैंक्स में कॉन्टैक्ट, किसी ना किसी बैंक के एम्प्लॉई के साथ जो जब वो कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये समस्या आ गई है। और इस समस्या का हल आप इतनी जल्दी नहीं निकाल सकते, क्योंकि ऐसा है कि आपको या तो आप प्रॉपर वहाँ पर अपने जो होम गार्ड है या जो आपका गार्ड है उससे हर आदमी को सैनिटाइज करवाएं, या उसके मास्क चेक करें और उसका टेम्परेचर चेक करें, ताकि कोई ऐसा व्यक्ति अंदर ना, संक्रमित व्यक्ति ना अंदर आ पाए जिसकी पहचान हो रही है और अंदर आ गया, तो ताकि ये समस्या ना आए। हाँ, ये इसमें दुख है, रोज हमारा अब जैसे डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है तो बैंक हैं, सारा दिन बैंक्स के साथ ही काम होता है। और अगर ऐसे एक महत्वपूर्ण SBI बैंक भी जैसे है वो बंद हो जाएगा तो लोगों को काफ़ी समस्या आएगी। सरकार को इसमें ऐसा है कि पूरा सारा अस्पताल सील करके कुछ डिपार्टमेंट्स को खोल के रखना चाहिए, जैसे गायना वार्ड है या एमरजेंसी जो उन्होंने खोली हुई है, लेकिन एमरजेंसी पे फिर डॉक्टरों की उपस्थिति पूरी हो, जिसमें मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल हों, ताकि वो जो लोगों की जो दिनचर्या, जो लोग रोज़ाना की समस्याएं हैं, जो छोटा पेशेंट है उसकी आवाज़ उठाई जा सके या वो उनकी आवाज़ सुन सकें। तो मैं इस बारे में ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि अस्पताल को सील करना ये समस्या का हल नहीं है, उसकी जगह तो मतलब कि ये देखने की बात है कि आप या तो कोई आइसोलेशन वार्ड अलग से बना दें, जहाँ पर आपको ये शंका हो रही है कि इस टाइप के पेशेंट आ रहे हैं तो उसके लिए, या फोर्थ फ्लोर अलग से बना दें, या फिर यह कि हॉस्पिटल का के सामने जो इनकी बिल्डिंग CMO ऑफिस है उसको कन्वर्ट करें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एंटायरली अस्पताल बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों को इससे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि हिमाचल में और विशेषकर सोलन में जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ये बहुत चिंता का विषय है और इस समय बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है सरकार को भी और लोगों को भी। अभी भी ऐसा लगता है कि लोग इसको बड़े आसानी से ले रहे हैं, कई लोग बिना मास्क लगाए घूमने चल पड़ते हैं, कई लोग इकट्ठे होकर भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखते, तो इस बात ये पक्की है कि सरकार को इसमें थोड़ी सख्ती करनी ही पड़ेगी। जो लोग बिना मास्क के घूमते मिलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे उनको भी सरकार देखे। लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए कि उन्हें अपने परिवार की चिंता होनी चाहिए, समाज की चिंता होनी चाहिए, प्रदेश देश की चिंता होनी चाहिए। जिस प्रकार से सरकार के दिशा निर्देश आते हैं,
जिला अधिकारी के दिशा निर्देश आते हैं, हमें अक्षरक्ष उसका पालन करना चाहिए। जी सर, तो मेरा नाम प्रिंस शर्मा है। मैं कहना चाहता हूँ, जैसे हालांकि अभी PNB बैंक भी सील हुआ है, उसके बाद सुनने में आया कि अभी FBI ब्रांच भी सील हो गई है जो माल रोड पर है, और हॉस्पिटल में भी अभी सुनने में आ रहा है कि नर्सें भी अभी कोरोना पॉजिटिव आ रही हैं, जिसके चलते हम नहीं तो सही ढंग से कोई इलाज करवा पा रहे हैं। हाल ही में आज हॉस्पिटल गया तो देखने को मिल रहा है कि हॉस्पिटल बंद है। तो मेरी यही गुजारिश है लोगों से कि, और सरकार से भी, इसके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई की जाए या एक्शन लिया जाए, जिससे कि हमारे जो भी हम लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका समाधान किया जो लोग